फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल फ्रॉम सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. देखिए मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है. 12th कॉमर्स में बोर्ड में इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन फर्स्ट में एमसीक्यू 1 मार्क्स, सेक्शन बी में भी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड सेक्शन सी में शॉर्ट एग्जाम्पल 3 मार्क्स. आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए सेक्शन बी. यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसमें से ही सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा. कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आने वाला है सेक्शन नंबर सी में. तो आज फर्स्ट लेक्चर है ए चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. फर्स्ट वन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. वैसे तो पार्टनरशिप आप लोग लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में OCM में पढ़ चुके हैं, फिर भी सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं क्या था लास्ट ईयर. फर्स्ट वन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज. देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन. पार्टनरशिप एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. देखो मेन ऑब्जेक्ट है पार्टनरशिप का टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और कोई भी इसमें से कोई एक भी बिजनेस कर सकता है, मगर जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इफेक्ट किसको करेंगे, सबको. तो फर्स्ट है अगेन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर बिजनेस करते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबसे एक ही कोई पार्टनर बिजनेस करेंगे मगर इफेक्ट किसको होगा, सबको. ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन. द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. इंडिविजुअली सपोज मिस्टर एक्स आया था बिजनेस करने के लिए तो मिस्टर एक्स को बोलते हैं पार्टनर. एंड कलेक्टिवली द फर्म, सबको जो कलेक्ट हो जाता है तो नेम हो जाता है फर्म. सपोज मिस्टर ए एंटर इनटू पार्टनरशिप तो मिस्टर ए इज कॉल्ड एज पार्टनर. मिस्टर बी इज ऑल्सो एंटर इनटू पार्टनरशिप, मिस्टर बी इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टनर. एंड दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं. बिजनेस का नाम है सपोज ए बी एंड कंपनी. तो ए बी एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म अंडर विच बोथ द पार्टनर्स आर डूइंग द बिजनेस. नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट वन क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. जनरली पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मे बी आइदर वर्बल और रिटन. इट इज प्रेफरेबल द कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिटन फॉर्म. नेक्स्ट वन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. मेन ऑब्जेक्ट है पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट इज अ मेन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन लीगल बिजनेस. ऑल द पार्टनरशिप फर्म कैन कंडक्ट ओनली लीगल बिजनेस. इलीगल बिजनेस इज नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. नेक्स्ट वन एजेंट ऑफ ईच अदर. ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड ईच पार्टनर इज एजेंट. सब पार्टनर प्रिंसिपल भी है, सब पार्टनर एजेंट भी है. ईच अदर एक दूसरे का वो एजेंट भी है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट. नेक्स्ट वन नंबर ऑफ पार्टनर्स. ये इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 देयर आर लिमिट फॉर पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कैन नॉट बी एक्सीड 100. 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ने अभी फिक्स किया है नंबर ऑफ पार्टनर. वैसे तो पावर दिया है गवर्नमेंट को नंबर ऑफ पार्टनर फिक्स करने के लिए, मगर पार्टनरशिप कंपनी एक्ट में लिख दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 100. अभी प्रेजेंट में
गवर्नमेंट में फिक्स किए हैं, नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम होगा 50, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज गवर्न बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अभी उसको नंबर ऑफ पार्टनर को मैनेज करती है, मगर गवर्नमेंट को परमिशन है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने रखना है वो गवर्नमेंट नक्की करेंगे, मगर अभी लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने कि देयर शुड बी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। सीलिंग लिमिट है 100, गवर्नमेंट भी 100 से ज्यादा पार्टनर के लिए परमिशन नहीं दे सकती, मगर अभी परमिशन है आपको पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड लायबिलिटी, द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड इफ देयर इज शॉर्टेज इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस, पर्सनली पार्टनर इज ऑल्सो लायबल फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट। इफ सपोज एबीएन कंपनी सफर लॉस ऑफ ₹50 लाख, टोटल फर्म एसेट इज सपोज 20 लाख, तो आउट ऑफ 50 लाख 20 लाख रिकवर्ड फ्रॉम फर्म एसेट एंड रिमेनिंग 30 लाख इज रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड बी आइदर ओर। इट मीन्स यदि ए की प्रॉपर्टी कम है तो सब लोग कौन बियर करेगा, मिस्टर बी, बी से सब वसूल करेंगे। नेक्स्ट वन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म, ऑल पार्टनर्स आर ओनर एंड ऑल आर मैनेजमेंटियल पर्सन। इट मे बी दैट सपोज कभी कभी हो सकता है कोई भी एक पार्टनर भी इसमें मैनेजमेंट में हो सकता है, सब साथ में मिलकर भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कभी कभी एक मार्क्स में सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पार्टनरशिप फर्म का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7 है। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, मगर कंपनी एक्ट में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में था मिनिमम देयर शुड बी अ 2 पार्टनर, मैक्सिमम 10 पार्टनर पहले था एप्लीकेबल जब कंपनी एक्ट नहीं था तब, मगर 2014 में जब कंपनी एक्ट आया तो कंपनी एक्ट में लिख दिया है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शुड बी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 100 एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नक्की किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 50। नेक्स्ट वन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। वैसे तो पार्टनरशिप डेट क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला था कि पार्टनरशिप डीड करना वैसे तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यदि बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड आइदर इन रिटर्न और वर्बल, रिटर्न भी हो सकता है वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि वर्बल है तो कौन से रूल्स अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट वन देखो अभी ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल के लिए, ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बट इट इज नॉट कंपल्सरी। वैसे तो ईच पार्टनर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सपोज मिस्टर ए एंड बी बोथ आर पार्टनर, ए कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख बी कॉन्ट्रीब्यूट 2 लाख। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ओनली मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूट ₹5 लाख बी कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग। Each partner contributes capital by mutual agreement, but it is not compulsory that all partners should contribute fund. It means all partners should bring capital. Next one, interest on capital cannot be paid. Suppose partnership deed में लिखा है capital पे interest 10%, तो हम 10% calculate करेंगे. In absence of any information, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल। ध्यान रखो सब बराबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल। सपोज लिखा है ए एंड बी दो पार्टनर है, यदि क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 तो 3:2 होगा, क्वेश्चन में दिया है 2:1 तो 2:1 होगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स वुड बी इक्वल। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन नॉट बी चार्ज। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन नॉट बी चार्ज। जो भी पार्टनर पेजी में से विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स करेगा, उस पर भी आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। मगर एक्ट में अभी देखो पार्टनरशिप डीड अभी तैयार किया है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% 12%, तो हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन नॉट बी चार्ज। नेक्स्ट वन, सैलरी बोनस कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर। कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, बोनस भी नहीं मिल सकता, कमीशन भी नहीं मिल सकता, और सैलरी और रेम्यूनरेशन वैसे तो दोनों सही है, फिर भी मैंने लिखा है रेम्यूनरेशन भी पार्टनर्स को नहीं मिल सकता। मगर क्वेश्चन में यदि लिखा है, क्वेश्चन में मीन्स पार्टनरशिप में लिखा है कि पार्टनर ए इज एलिजिबल फॉर सैलरी ₹5,000 पर मंथ, पार्टनर बी इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ ₹10,000 वॉट एवर इट मे बी, तो हम देंगे। मगर कुछ भी एग्जाम्पल में नहीं दिया है तो कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिल सकता, बोनस नहीं मिल सकता, कमीशन भी, रेम्यूनरेशन कोई भी चीज नहीं दे सकते। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, 6% पर एना इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरेस्ट 6% पर एना, 12 मंथ के लिए है 6%। इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, यदि पार्टनर फर्म को लोन देता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनर फर्म को लोन देता है, फर्म यदि पार्टनर को लोन देता है तो नहीं। अगेन 6% पर एना इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, 6% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है 4% तो हम 4% कैलकुलेट करेंगे, यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है 12% तो हम 12% कैलकुलेट करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इफ लोन बैलेंस इज गिवन, मगर लोन का कौन सा बैलेंस होना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लोन का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यदि क्रेडिट बैलेंस ऑफ लोन इज गिवन वी हैव टू कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट पर एना ऑन द लोन इफ लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, यदि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो हम 6% इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करेंगे। ये है हो गया आपका जो मेन एग्जाम्पल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे 1-6 पॉइंट मैंने कवर कर दिए है। अभी देखो लास्ट वन आज के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एग्जाम्पल में जब हम कल से शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें लिखा होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फर्स्ट वन, इफ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एवरी मंथ, देखो पार्टनर सपोज कभी कभी पार्टनर क्या करता है एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉ करते हैं फ्रॉम फर्म से, इफ पार्टनर विड्रो इक्वल अमाउंट, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल अमाउंट एवरी मंथ, इफ अमाउंट विड्रॉन बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सपोज मिस्टर ए विड्रो रूपीज 2000 एवरी मंथ फ्रॉम द फर्म ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे मीन्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एन्युअल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा डायरेक्ट एन्युअल, एन्युअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग, ड्रॉइंग एन्युअल नहीं लिखने का, ड्रॉइंग कौन सा लिखा है देखो मंथली ड्रॉइंग, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 78/12, फॉर्मूला है 78/12, याद रखो। वैसे तो फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब जरूरत होगी तब, मगर इफ पार्टनर विड्रो इक्वल अमाउंट एवरी मंथ, इफ विड्रॉन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, मंथ की बिगिनिंग में अभी विड्रॉ करता है दैट इज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ,
एन्युअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट मिलेगा आपको एन्युअल, मतलब ड्रॉइंग कौन सा लिखने का है, लिखने का है आपको मंथली, मंथली ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 78/12। यदि पार्टनर्स ने विथड्रॉ किया है एवरी मंथ मगर एंड ऑफ मंथ दैट इज 31st डे ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ तो एन्युअल इंटरेस्ट, एन्युअल इंटरेस्ट में कहां से लाऊंगा, देखो फॉर्मूला मंथली ड्रॉइंग, यहां पे भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा एन्युअल, ड्रॉइंग कौन सा लिखना है आपको मंथली ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 66/12। यदि बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो 78/12, एंड ऑफ मंथ है तो 66/12। कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं एन्युअल ड्रॉइंग, यदि एन्युअल ड्रॉइंग दिया है मंथली ड्रॉइंग मिसिंग है तो आपको पहले देखो यहाँ पे मैं लास्ट एक लिखने का बाकी है वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, लास्ट वन यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ मंथली ड्रॉइंग सपोज एनुअल ड्रॉइंग इज गिवन, तो यहाँ पे देखो मंथली ड्रॉइंग is equal to annual drawings divided by 12, ये हो जाएगा आपका मंथली drawings। इसी तरह से हम थियरी, बस यहां तक आपको थियरी बस कंप्लीट करने का है। अब मैं आपको एक दो तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए आप टेक्स्ट बुक में और टेक्स्ट बुक के साथ आपके पास तो वो पैम्पलेट भी मैंने दिया है, तो पैम्पलेट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। आज मैं टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कल हम स्टार्ट करेंगे पेम्पलेट में से, सबको पेम्पलेट ऑलरेडी मिल चुका है, एक या दो लोग ऐसे होंगे जिसको पेम्पलेट अभी तक नहीं मिला है, वो स्कूल पर से सुबह में पेम्पलेट कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं फिर भी मैं एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा तो आपको पता चलेगा जिसके पास पेम्पलेट नहीं है वो भी कर पाएंगे। चलो रेडी, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे टेक्स्ट बुक से, जो बोर्ड में आने वाला है वो यहां पर लिखता हूं मैं, सेक्शन सी 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन होगा ऑलवेज। यहां पे देखिए टेक्स्ट बुक सबके पास होगी, पेज नंबर इसी टेक्स्ट बुक, इसमें आपको निकालना है पेज नंबर आई थिंक नियर अबाउट 30 के आसपास होगा, यस पेज नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है फर्स्ट। देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहले मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जरा सुनो। ए पार्टनर विथड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट दैट इज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा तो 78/12, यदि एंड ऑफ मंथ है तो क्या लिखेंगे हम 66/12। At the end of each month from the firm, at the end of the year, total annual drawing is ₹12,000. देखो 12,000 is the annual drawing. So first of all, we have to find out monthly drawing. Next one, 12% per annum interest is chargeable on drawing. Determine amount of interest on drawing for the year. तो अब देखो आंसर में यहां से काट कर रहा हूं आंसर। फर्स्ट वन कैलकुलेशन ऑफ आंसर, फर्स्ट वन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दो पार्ट में हम वर्किंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट है मंथली ड्रॉइंग
is equal to annual drawings divided by 12. अब देखो एनुअल ड्रॉइंग इज गिवन 12,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 12 तो मंथली ड्रॉइंग हो गया 1,000। अब सेकंड पार्ट यहां से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग। फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा मंथली ड्रॉइंग्स इनटू मंथली पढ़ सकते हैं आप लोग मंथली ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू। अब देखो फॉर्मूला यदि बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो 78/12 एंड ऑफ मंथ है तो 66/12। एट द एंड ऑफ मंथ लिखा है देखो ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मूला में 66/12। देखो मंथली ड्रॉइंग हमने ढूंढ निकाला है मंथली ड्रॉइंग है 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 12% तो 12/100 एंड एंड ऑफ मंथ है इसलिए 66/12 12 कैंसिल 00 कैंसिल देयरफॉर एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रूपीज 660। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। जब देखो सपोज ये क्वेश्चन में लिखा होगा एंड ऑफ मंथ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 78/12 रिमेनिंग सब कुछ सेम ही होगा। सिमिलर क्वेश्चन आपको करना है कहाँ से करेंगे आप मैंने आपको योगी प्रकाशन का वो पैम्पलेट है वो दे चुका हूँ ऑलरेडी स्कूल में से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यदि कोई लेने के लिए नहीं आ सकता है तो मैं आज शाम को इसकी पीडीएफ बना के फर्स्ट चैप्टर की जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा ग्रुप में तो ग्रुप में से पीडीएफ की कॉपी निकाल कर देख सकते हैं आप। ओके ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट मैंने करा हो चुका है। कल हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो योगी प्रकाशन का जो मैंने टेम्पलेट दिया है उसमें से हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके आप जिसको भी फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बुक में दिया है टेम्पलेट में 5-6 क्वेश्चन है बुक के अंदर तो आप कर सकते हैं। ओके तब तक मैं कल ये सब क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा। ओके बाय बाय।